आगे बढ़ता जा रहा है। विशाल किसान रैली को संबोधित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21 जुलाई को सांझापुर में आ रहे हैं। सांझापुर प्रदेश की सबसे बड़ी किसान मंडी है और एमएसपी की जो दरें बढ़ी हैं, आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसानों के प्रति इतना संवेदनशील रवैया अपनाया। वैसे भी किसान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में पहले दिन से है, जब उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि आगामी पाँच वर्ष के अंदर हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। एमएसपी की जो दरें आज घोषित हुई हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 जुलाई को जो घोषित की हैं, वास्तव में आज़ादी के बाद का एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है, एक महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा है। और इसीलिए जो कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सर्वाधिक किसान यहाँ पर हैं, सबसे यानी खाद्यान्न के मामले में देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नंबर एक पर स्थान है, तो सबसे अधिक लाभान्वित एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी से उत्तर प्रदेश का किसान हो रहा है। हम सामान्यतः देखें, जैसे धान का ही देखें तो धान की खेती में लगा किसान एक कुंटल धान पैदा करने में उसकी लागत 1,000 रुपये आती है। 1,000 रुपये की लागत जब किसान की आती है तो वह किसान आज के दिन पर नए एमएसपी दर घोषित होने के बाद उस किसान को 1,750 रुपये मिलेंगे, यानी 70 से 75% की बढ़ोतरी सीधे सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का ऐसे 14 जींस का जो देश के प्रत्येक किसान के जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है, प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने इस किसान कल्याण रैली का आयोजन यहाँ पर किया है। कार्यक्रम की व्यवस्था देखने, आयोजन से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं संगठन के साथ भी और प्रशासन के साथ अलग अलग बैठक किया हूँ। रैली सफलतम होगी, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार पहले से कर रही है। एमएसपी की नई दरें घोषित होने के बाद यह एक अवसर है जहां हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर सकें और इसके लिए देश की प्रदेश की सबसे बड़ी किसान मंडी सांझापुर को चुना गया है, इसीलिए आज कार्यक्रम की व्यवस्था देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।